सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। बोले भैया मंगलाचरण का मतलब क्या? बोले कोई भी आप काम करो, अगर भगवान को स्मरण करते हुए ठाकुर जी की नाम लेकर के कोई भी काम करो ना, वो काम जरूर तुम्हारी बनी जाएगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन, बोला मंगल भवन अमंगल हारी। ठाकुर जी सारे अमंगल को ठाकुर जी दूर कर देते हैं ठाकुर जी, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण किया है। कहते भैया मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है, बोले जन्मादस्य जत्वन्यादितरतस्य स्वार्थे स्वभिक्ष स्वराज तेने ब्रह्मा हृदा जो आदि कवय मोहयन्ति जत सूरयो तेजो बारी प्रदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। सर्वप्रथम वो परम सत्य को ध्यान करते हैं। बोले क्यों? बोले सत्यमेव जयति, जगत में जो जय है ना, सत्य का ही जय है और असत्य का ही पराजय है। कहते भैया वो सत्य स्वरूप भगवान कौन है? बोले श्री सत्य स्वरूप भगवान श्री बांके बिहारी। कौन है? बांके बिहारी। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले जब भगवान कृष्ण देवकी की गर्भ में ठाकुर जी आए, उसी समय में ये 33 करोड़ देवता एकत्रित होकर के देवकी माता की गर्भ स्तुति करते हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोनी नीतम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणं प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले जो सनातन थे सत्य, अभी भी जो सत्य हैं, बाद में जो सत्य रहेंगे, जिनका भक्त भी सत्य है, जिनकी धाम भी सत्य, जो त्रिकाल सत्य है, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सबसे पहले हम भगवान को चरण को स्मरण करते हैं। कहते भैया केवल कृष्ण ना और भी कोई है? लेकिन हमारे रस्सी की टीकाकार कहते हैं केवल कृष्ण नहीं, इनको साथ में श्री राधा रानी, क्योंकि जब तक राधा रानी नहीं होना तब तक कृष्ण आधा है। इसलिए हमारे वेदों में बताए, बोले चापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एव सब एक ज्योति दिधा भिरना राधा माधव स्वरूपम। बोले तत्व तो वो दो नहीं, तत्व तो एक ही है, लेकिन वो लीला करने के लिए उन्होंने राधा और श्री कृष्ण रूप में हुए हैं। शिक्षा देते हैं हमें अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा श्री राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, देखे ना कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो। अरे आवाज सही नहीं आ रही। आज क्या कोई व्रत रखे हो? नहीं है ना? जोर से बोलो। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? बोले राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी गंगा को धारे बिहारी, राधा रानी गंगा को धारे बिहारी, राधे 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 राधे
किसी संसार कहते मंगलाचरण का जो दूसरी श्लोक है, देखो भागवत कथा की कितने महत्व है। जैसे यहाँ कथा हो रही है, आप लोग घर में बैठे हो, पता चला भागवत कथा होने जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार सोच लिया मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगी, अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा होगी ना, इतनी इच्छा होते ही ठाकुर जी आकर के उसके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति घर में घुसे और अपनी आप को कुंडी बंद करके दरवाजा बंद करके, ऐसे ही केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी उसका हृदय में बंद जाते हैं, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। केवल इच्छा मात्र से ही अगर सचमुच से कोई आए, अब ये भागवत कथा में सचमुच से कोई बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं जो व्यक्ति कथा में आकर के बैठ गए। भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले सुश्रु सुनी, बोले जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही व्यक्ति कथा में आकर के बैठ सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य की क्या भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं, बोले नहीं आओ केवल कथा में बैठ जाओ। कल कथा सुना रहे थे ना, अभी याद है कि नहीं, एक व्यक्ति को पता नहीं था फेरी का काम करते करते गया, कैसे भूल में एक घंटा कथा कीर्तन में बैठ गया, उसका फल क्या मिला, स्वर्ग। पर स्वर्ग में कथा सुनते सुनते कहां सीधा ठाकुर जी की चरण में चले गए। अनजान में एक व्यक्ति पता ही नहीं था कथा पता क्या होता है, एक घंटा केवल कथा में बैठ गया ना, सीधा ठाकुर जी के चरण की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महद्भया, अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी कुछ कर देना मैं उसके लिए इतना करता हूँ, उसके लिए मैं इतना करता हूँ। एक कदम बढ़ाओ ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाते हैं। कहते ये भागवत का ये प्रतिज्ञा है, कहते भागवत में आशीर्वाद क्या देते हैं, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फल। कहते आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, बोले क्या कर रहे हो, बोले कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो। बोले ये कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है, बोले जो कुछ आप मांगोगे, ध्यान देकर सुनो ये भागवत कथा। अगर सचमुच से कोई नियम करके केवल 7 दिन कथा सुना, नियम करके आप देखना 7 दिन में जो निर्धन है उसे धन की प्राप्ति, जिसको संतान नहीं संतान की प्राप्ति, जो रोगी उसको निरोग की प्राप्ति, जो दुखी उसे सुख की प्राप्ति। कभी ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है। भागवत निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कभी ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत ये पका हुआ फल है। इसलिए क्या करो भैया, खूब पियो इसको, खूब रस को पान कर रस को। बोले भैया आपने बताया ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, आप लोग बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो, अरे बोलो बोलो, आप फल खाते हैं ना फल को पीते हो। यहाँ पर कह रहे हैं भैया पियो, बोले भैया पियेंगे, आप तो बता दिया फल, फल को तो खाते फल को थोड़ी पीते हैं। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं जिसका छिलका भी नहीं, जिसमें रस ही रस है। आप लोग ये बताओ जब कोई रस को पीते हो किधर से पीते हो, अरे बोलो, कोई रस को जो पीते हो किधर से पीते हो, मुंह से पीते हो, लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो, हाँ। बोले ये रस को मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है, कानों से। देखो मुंह और कानों में पीने का क्या फर्क है,
कोई भी चीज अगर मुख से पियोगे नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकता नहीं, वो निकलेगा। लेकिन कोई चीज को अगर कानों से पियो निकलेगा नहीं, इसलिए कहते ये दिव्य रस को कोई मुंह से मत पिया करो। किधर से पियो? कानों से पियो। बोले भैया पीते थे वो लेकिन निकल जाती है। हमारे अंदर में कितने छेद है, काम क्रोध लोभ मोह, कितने हमारे अंदर छेदी छेदी है। कहते भैया पीते एक तरफ में और एक तरफ से निकल जाती है। बोले ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही हमारी अंदर में जितने छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन पियोगे ना कभी नहीं निकलेगा, पियोगे तो कभी निकलेगा नहीं। बोले क्या उपाय इसका है, जैसे उदाहरण दिया जैसे घड़ा, आप लोग आंसर देना, एक घड़ा उसमें छेदी छेदे, अगर उसमें पानी भरोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसे क्या उपाय है, भले ही उसमें जितना छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद भी निकलेगा नहीं। क्या उपाय बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ये पात्र को पानी में डूबो करके रख लो, भले ही उसमें कितने छेद क्यों हो पानी नहीं निकलेगा। मतलब क्या है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो वो कभी पान नहीं निकले, कभी इससे निकलेगा नहीं। जैसे समझो अभी हम कथा में बैठे हैं, बैठे कि नहीं, सभी का अंदर में काम क्रोध लोभ मोह है। लेकिन आपका कोई काम क्रोध लोभ कोई सता रहा है, कोई दुनियादारी की कोई याद है अभी नहीं, लेकिन ये कथा से निकलते ही सारे काम क्रोध आकर के सर पर बैठ जाएंगे। इसलिए क्या करते रहो, हर समय कथा रस में डूबे रहो। इसलिए भागवत कहता है बस उसमें डूबे रहोगे तो आसानी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। बोले ये कथा रस को कौन कौन पी सकते हैं, बोले केवल दो व्यक्ति रस पी सकते हैं। बोले वो दो व्यक्ति कौन है, बोले रसिका और भावुक है। जो रसी और ये भावुक है वही लोग ही भक्ति रस को पी सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले अति हरि कृपा या परमो अति हरि कृपा अति हरि कृपा या परमो अति हरि कृपा या परमो केवल ये भगवत भक्ति रस को प्रभु का प्रेम रस को वही पान कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो आए हो आप लोग बड़े भाग्यवान हो, ठाकुर जी की आपको ऊपर में बड़ी कृपा है। देखो भगवान कृष्ण की जो स्वागत शब्द केवल दो बार प्रयोग किया, जानते हो किसको किसको प्रयोग किया, जब कृष्ण ने बंसुरी बजाई बंसी बट में कोई गोपी दूध दोहन कर रही थी, कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई,
दूसरे आंख में काजल लगाने जा रही थी, कोई गोपी आधा कपड़ा पहन करके रखी, कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई व्यक्ति गोपी रसोई बना रही थी, कोई व्यक्ति कोई गोपी रोटी में चूल्हे में अभी रोटी सेकी है, रोटी को रखी, रोटी जल गई है, कोई गोपी गोद दहन कर रही थी। लेकिन जब कन्हैया की बंसरी बजी ना, उसी समय में ही सब कुछ छोड़ करके सब के सब भगवान कृष्ण के पास में आए। जब आए हैं ना, ठाकुर क्या कहते हैं, बोले स्वागतम मैं महाभागा, बोले हे गोपियों जगत में तुम लोग सबसे बड़े सौभाग्यवती हो। बोले क्यों, तुम लोगों ने जो काम कर रही थी ना, वो काम को तुमने आधा रख करके भाग लिया। अगर कोई बच्चे को दूध पिलाती होगी, कोई छोड़कर जा सकता है? बच्चे को पति को खाना खिला रहे हो, कहीं जा सकते हो? गैया दोहन कर रहे हो, चूल्हे में अगर रोटी रखी तो जा सकती हो? लेकिन कृष्ण की इतने आकर्षण, इसलिए उनका नाम ही कृष्ण, जो सबको जो आकर्षण करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने बंसुरी बजाई तो सब काम को छोड़ कर गई। इसलिए भगवान से क्या देते हैं, जो लोग भगवान की कथा में आते हैं, देखो आपका सबके घर में कुछ ना कुछ काम है कि नहीं, सबका घर में काम है ना। लेकिन आप लोगों ने गोपियां जैसे सारे काम का आधा रख करके काम करा है, कथा में आए भगवान की बंसुरी, कथा रूपी बंसुरी बजी तो आप लोग भी घर का सारे काम को आधा रख करके सबके सब भागते भागते आए। इसलिए भगवान कहते हैं ये भागवत कथा में जो आते हैं ना, ठाकुर जी बांके बिहारी उनको स्वागत करते हैं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यवती जो भागवत कथा रूपी रासो में, कथा रूपी रस में जो आए हो, बड़े सौभाग्यवती है। श्रीमद् भागवत कथा मृतम की भैया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरी वंशी बिना, तेरी वंशी बिना हूँ बलिहार, दुशिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार, 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 दुशिया तेरी वंशी पे रहूं बदहाल, दुशिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार, दुशिया तेरे दरबार, दुशिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार, दुशिया तो नाचूं तेरे दरबार, दुशिया।
भगत के दोनों हाथ उठा के मस्ती में रुक गए काली सेवा करेंगे। कलयुग से डरते हुए ये सौनकादि ऋषि लोग
पितामह ब्रह्मा के पास में गए, बोले आप ये बताओ ये कलयुग से हम कैसे बचे, क्योंकि जो कलयुग है बोले प्राप्ते कलयुगे घोरा नरापुन्या विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परान मुखम। बोले कलयुग में लोका स्थिति क्या है, बोले प्राप्ते कलयुगे घोरा नरापुन्या विवर्जिता, कलयुग आने पर लोग कोई धर्म कर्म नाम का कोई चीज ही नहीं करेंगे, हैं? दुराचार रता सर्वे, सब के सब दुराचार में रत हो जाएंगे, कोई सच नहीं बोलेगा, सब के सब झूठ बोलेंगे, हैं? इसलिए घोर कलयुग में आप बताओ ये कलयुग से हम रक्षा कैसे मिले। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके साधन भजन करोगे, पर ये कलयुग तुम्हें व्याप्त तो नहीं कर सकता है। बोले वो चक्र कहां पर गिरा, बोले ये चक्र गिरा नैमिषारण्य में गिरा, वहीं पर स्वर्णकादि ऋषि लोग बैठ करके हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं मिली। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुत गोस्वामी आए, बोले ये सुत कौन है, बोले दो सुत है, एक उग्रसरवा सुत और एक है लोमहर्षण सुत, ये दो सुत है। बोले एक समय श्री नैमिषारण्य में कहते जो लोमहर्षण सुत वहां पर बैठ करके पुराण की कथा बोल रहे थे, इतने में श्री बलदेव प्रभु वहां पर आए। ये बलदेव प्रभु कौन है, बोले मूल गुरु भगवान की अभिन्न प्रकाश श्री बलदेव प्रभु, ये मूल गुरु तत्व श्री ताऊ भैया, लेकिन उन्होंने बलदेव प्रभु को देख करके बोले आए बैठ जाएंगे, अभी तो मैं कथा कर रहा हूँ पुराण सुना रहा हूँ, उनको उन्होंने सम्मान नहीं दी। देखो नियम है, अगर कहीं कथा हो रही है अगर कोई उच्च कोटि को कोई संत आ जाए ना, नियम है कथा को वहीं पर बंद करके संतों को आदर दो। कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए, भगवान स्वयं कहते हैं प्रथम अंतु गुरुम पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा करो उसको बाद में खरी मेरी पूजा करो, हैं? अगर यही ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारी पूजा सब निष्फल हो जाएंगे। अभी वहां पर बलदेव प्रभु आए साक्षात ताऊ भैया कृष्ण के अभिन्न स्वरूप, लेकिन लोमहर्षण सुत ने उनको आदर नहीं किया। बलदेव प्रभु उठाया एक त्रिनिका और एक त्रिनिका ने उनको गले को ही काट दिया, वहां पर हाहाकार मच गया। ऋषि लोग बोले प्रभु फिर हम पुराण कहां से सुनेंगे, बोले कोई चिंता मत करो, उनका एक छोटा बच्चा था 5 साल का बच्चे और उन्होंने उसको बुलाए, उसका सर पर हाथ रख करके सारे शक्तियों को उनके हृदय में संचार कर दिया, फिर तो उन्होंने धड़ाधड़ सारे वेद पुराण उपनिषद को फिर उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। कहते ये कौन है, बोले उग्र सर्वासुत है, बोले एक बार जो चीज को सुन लेना वो कभी भूलते नहीं। जब श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए सौनकादि ऋषियों ने उनका आसन देने के बैठा है, बोले हमारी अहोभाग्य है आज संतों का हमें दर्शन मिल गया, अगर जीवन में किसी साधु का अगर दर्शन मिल जाए फिर क्या समझो। इसलिए जब श्री हनुमान जी से श्री विभीषण का मुलाकात हुई, जब विभीषण ने देखा हनुमान जी को राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी, विभीषण क्या कहता है आज मैं भा भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह किनी तो मोहि दर्श अटे दिन, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई विशेष कृपा हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जहां पर रावण जहां पर चारों तरफ में राक्षस लोग हैं उसको बीच में मैं रहता हूं और उसको बीच में भगवान के सबसे प्यारे राम के सबसे प्यारे श्री हनुमान जी के दर्शन हो गया, मतलब है अभी हमें प्रभु प्राप्ति की कोई देर नहीं,
जरूर मेरे को जल्दी से जल्दी प्रभु राम मिलने वाले हैं। सौनकादि से लोग प्रसन्न हो गए, सुत गोस्वामी को आसन देकर के बैठाए। बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद को आपने अध्ययन किया है, गुरु जी की कृपा से सब कुछ आप जानते हो, इसलिए ये घोर कलियुग है। कहते प्राय अल्पायुष सभ्य, कलयुग में लोग करके प्राय करके इनका आयु कम है। सत्य युग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, इसलिए सुने होंगे 10,000 साल 50,000 साल तक लोग सबके सब तपस्या करते थे। तृतीया युग में आ गया, लोग का परमायु हो गया 10,000। द्वापर युग आ गया, हो गया 1,000। कलयुग आ गया ना, 1,000 से 1 0 हटा दो कितना होगा बोलो? 100। बोले जब घोर कलयुग आएगा 100 से 1 0 हटा दो कितना हो जाएगा? 10। कलयुग में लोग 10 साल जिंदा रहेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है अभी हर चीज हाइब्रिड से बन रहा है, हैं? कोई आपको असली चीज मिलेगा नहीं, घी लिखा होगा प्योर शुद्ध होगी लेकिन वो घी नहीं होगा। कुछ दिन पहले अलीगढ़ में वो घी बनाते हुए पकड़े गए, जानते हो कैसे घी बना रहे थे? केवल हड्डी हड्डी और कुछ हुए नहीं, सेंट डाल करके उसको घी बना रहे। इसलिए कलयुग में कोई चीज आपको प्योर नहीं मिलेगी, इसलिए लोग का परमाल धीरे 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 परमायु ह्रास होते जाएगा। इसलिए बोले आप कृपा करके बताओ कलयुग में, कहते झुप दुर्गा, कलयुग में भगवत भक्ति करना इतने आसानी बात नहीं कलयुग में है। कहते अगर पत्नी अगर भजन करती है, पति भजन करने नहीं देते। अगर पति अगर भजन करता है, पत्नी करने नहीं देते। अगर बच्चा अगर भजन करेगा, अगर बच्चा अगर थोड़ा माला ले लेना कंठी तिलक पहन ले, बोलिए कोई उम्र कर भजन कर लेता है। लेकिन बच्चा अगर सिगरेट पीता है, दारू पीता है, वेरी गुड, ये तो सही कर रहा है। लेकिन अगर तिलक कंठी पहन लिया ना, तेरे कोई उम्र है भक्ति करने का? अभी से ही क्या माला तुमने तिलक क्या पकड़ी है, ये सब क्या क्या चक्कर? बोले कलयुग में तुमने बाधाएं भक्ति की, बोले इसलिए आप कृपा करके बताओ जीव का कल्याण कैसे कलयुग में कल्याण होगा। तब उन्होंने उनको 6 प्रश्न उनको दिया है। यदि जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, यदि ये श्रीमद् भागवत, ये 6 प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत है। देखो उसमें ये 6 प्रश्न किया है, ये चीज को आज मैं बोलूंगा, कल आपसे फिर दोबारा मैंने ये 6 प्रश्न को मैं कल आपसे सुनूंगा, इसलिए आप सबके सब ध्यान देकर सुना। इनका पहला प्रश्न है, कलयुग में आत्मा को शांति कैसे मिले? देखो दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी करने का लक्ष्य क्या है जीवन में? शांति। जीवन में शांति कैसे मिलेगा? इसलिए इनका पहला प्रश्न है, हमें आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो जगत में सबसे जो कीमती चीज है ना, शांति है। हमारे पास में बहुत पैसा है, परिवार है, दुनियादारी, दुकान मकान, लेकिन शांति नहीं, फिर वो चीज का कोई महत्व क्या है? लेकिन अगर 2 सूखी रोटी खा करके अगर हम चैन से जी रहे हैं, शांति में जी रहे हैं, वो सबसे अनमोल वस्तु है। इसलिए जगत में सबसे बड़ी जो चीज है ना, आत्मा को शांति मिलेगी कैसे? हाँ, दूसरी प्रश्न है, देखो एक प्रश्न से दूसरी प्रश्न जुड़ी हुई है। दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल साधन क्या है? देखो इसमें ये बता रहे हैं, पहला प्रश्न शांति कैसे मिलेगी, बोले शांति कैसे तब मिलेगी जब जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के बगैर जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान राम से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलती। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, साथ घर में ज्यादा पैसा आ जाए ना, घर में अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा ना, शायद घर में शांति सब मिल जाएगी। रावण के पास में क्या था? सोने की लंका थी। हमारे पास में कितना सोना होगा?
दस किलो बीस किलो तीस किलो हजार किलो उसका पूरा लगता लगता ही सुना ही सुना है। फिर हम क्या सोचते हैं शायद अच्छी कोई बीवी मिल जाएगी ना, शायद शांति मिल जाएगी। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। आपको पता है मंदोदरी में क्यों क्या है? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर। उसकी कमर बहुत पतली थी, वो विश्वकर्मा की बेटी थी, वो साधारण थी नहीं, वो विश्वकर्मा की बेटी। सोचते हैं अच्छे छोरे मिल जाए तो शांति मिल जाए। जिस बेटे का नाम था मेघनाथ, मेघनाथ इंद्रजीत, जिस बेटे का नाम है सब आलाप नाती, पता नहीं कितने बेटे उसकी, लेकिन तब भी उसकी हृदय में चैन नहीं। हृदय बेचैन से आई हृदय, लेकिन लंका ने केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था। आप बता सकते हो लंका में कौन चैन से जी रहा था? जोर से बोला। हाँ लगता है तुम लोग बड़े पंडित हो। इसलिए केवल विभीषण वहां पर चैन से जी रहा था, क्योंकि जो विभीषण है वो ठाकुर जी की शरण में था, ठाकुर जी की शरण में था। शिक्षा देते हैं अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, तभी जीवन में हमें चैन मिल सकती है। इसलिए एक बार हाथ उठा के बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर कर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तब मैंने उनको छह प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। तीसरा प्रश्न है उनकी अवतार का भी कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है भगवान की अद्भुत अद्भुत जस बताओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय लिया। इन्होंने उनको छह प्रश्न किए। ये छह प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी प्रेम में गदगद हो गए। बोले क्यों? बोले ये जो प्रश्न था ये कोई दुनियादारी प्रश्न नहीं, भगवान संबंधी प्रश्न है। संत तभी प्रसन्न होते हैं जब उनकी प्रभु के बारे में पूछो, दुनियादारी के बारे में पूछो तो दुखी हो जाती है। क्यों? दुनिया की बात करो ना, दुखी दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई काम से दुखी, दुनिया की आप बात करो ना दुखी दुखी हो जाओगे। लेकिन ठाकुर जी की बात करो शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने प्रसन्न हो गए ये प्रश्न सुन करके। बोले भैया सबसे पहले मैं अपना गुरु जी की चरण की पूजा करके वंदना करके तुम्हारी प्रश्न के उत्तर देता हूँ। बोले वंदा गुरु पाद पादो कौन समय उठकर पिता माता का चरण चलते हैं, हाथ उठा कौन कौन करते हैं?
कौन कौन अपना सास ससुर की जमीन छूते हैं? कोई हाथ नहीं उठाया। देखो इसलिए नियम है, कल हम बता रहे थे जो सवेरे उठ करके अपना गुरुजन की चरण छूते हैं, पिता माता के चरण छूते हैं गुरुजन की, तो उसको जीवन में चार चीज की प्राप्ति होती है, बल ऐश्वर्य जस और उसकी धन श्री। जो सवेरे उठ करके अपना सास ससुर पिता माता की चरण छूते हैं, उनका हृदय से जब आशीर्वाद निकलते हैं ना, अगर ललाट में कोई उल्टा पुल्टा लिखा हुआ हो उसको भी ठाकुर जी मिटा देते हैं, ब्रह्मा जी मिटा देते हैं। इतने महिमा सवेरे उठ करके गुरुजनों की प्रणाम करने का। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी देखो जो जो करते हो अच्छी बात है, इधर सुना जो नहीं करते हो कल से जमा कर लो, ठीक है ना। देखो देखो एक संत कह रहे थे, जैसे माने एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, दो बहू घर में हुई, अगर जो बहू पिता माता की सेवा करेगी, अभी घर का जितने सोने चांदी किसके पास में रहता है, सास ससुर के पास में, अगर जो बहू ज्यादा सेवा करेगी सास ससुर की, जब बंटवारा होगी ना वो क्या करेगी, उसमें कुछ सोने चांदी उठा करके वो बहू को दे देगी, बोले तुम इसको रख ले, क्योंकि अभी बंटवारा होगी ना, बंटवारा में बराबर होगी, लेकिन जो ज्यादा सेवा करेगी उसको तो मिलेगी। इसलिए हर चीज में आपको लाभ ही लाभ है, गुरुजन कोई सेवा करने का लाभ ही लाभ है, उसमें नुकसान नहीं। हाँ इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी के चरण की पूजा की। देखो एक छोटे स्टोरी सुनो ध्यान देकर, आप लोग को देखना पानी में एक चिड़िया रहता है, वो काला रंग का चिड़िया, वो पानी में डूब करके मछली पकड़ेगा, वो ऐसे नहीं खा लेगा, उसको ऐसे फेंकेगा, फेंक करके दो बार पकड़ कर फेंक लेगा, उसकी कला है। एक व्यक्ति ने ये चीज को देख करके सीख लिया, वो कैसे मछली पकड़ करके ऊपर फेंकता है और कैसे उसको पकड़ लेता है, उसने वो कला को वहां से सीखा, सीख करके उसने क्या किया, एक लकड़ी की चाकू बनाई और ऐसे ऊपर फेंकता है और ऐसे मुंह में पकड़ता है, उसको करते करते जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, अब उसने एक लोहे के चाकू बनाया और उसको भी प्रैक्टिस करते करते जो बढ़िया हो गया ना, जब देखता है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर बड़ी जोर से बाजा बजाएगा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो चाकू को फेंक करके मुंह से पकड़ेगा, यही अपना जीविका निर्वाह भी करती है, पैसा रोजगार करना है। एक व्यक्ति देख करके बोले बारे तेरे गुरु कितना सुंदर, जो तेरे गुरु है ना धन्य है तेरे गुरु को, जिस गुरु ने तेरे को ये विद्या सिखाई। इतने में उसने क्या बोल दिया, बोले थोड़ी मेरी कोई गुरु है, मैं तो अपने आप सीख गया, मेरे को थोड़ी बड़ी गुरु थोड़ी है, मेरे कोई गुरु गुरु नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा भैया और एक बार दिखाओगे, और एक बार दिखाओ। इतने में उन्होंने चाकू को फेंका, फेंक करके जो पकड़ने के लिए गया ना उसकी चूक गई उसकी नजर, चूकते ही और नाक को ऊपर गिरा, उसे नाक ही कट गई। देखो वो व्यक्ति का गुरु कौन था बोलो, चिड़िया। इसी जगत में कोई भी काम हो, शराब भी जो पीता है ना, देखना बोले यार एक बार पी ले शादी का समय थोड़ी रोज पीतो, बोले नहीं हमारे परिवार में कोई पीता नहीं, हमें शराब नहीं पीऊंगा, बोले रोज रोज थोड़ी पियोगा, शादी का दिन थोड़ा पी लो, बस एक बार पिला दिया, फिर दो बार पिला देगा, तीन बार पिला देना, बहुत शराब है। जो चोरी करता है देखना, जो सिगरेट फूकता है देखना, गंधे से गंधे काम जो करता है ना, इसका भी कोई गुरु होता है, बिनु गुरु भवन दि तरई न कोई, जो बीच शंकर सम।
भजे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। इसी जगत में गंदे का गंदे काम होना देखना जरूर कोई गुरु होता है। अगर कोई भगवान की भक्ति जगत हो फिर उसमें तो गुरु जाएंगे ना। इसलिए उन्होंने श्री सुत गोस्वामी सर्वप्रथम अपना गुरु जी को प्रणाम करते हैं। बोले जम प्रभजन तमपीत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिवान त्वस्मी। बोले भैया मेरे गुरु कौन है? बोले मेरे जो गुरु है ना वो साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी जो मातृगर्भ में 16 साल तक मातृगर्भ में रहे, जो निकलना नहीं चाह रहे थे। व्यास देव जी ने कहा बेटा तुम कौन हो, मैया को इतने कष्ट क्यों देते हो, बेटा निकल कर क्या जा। बोले प्रभु मैं निकलना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले ये संसार माया का संसार है। मातृगर्भ में जब 7 महीना हो जाए बच्चों को ज्ञान आ जाता है, वो बच्चा देखता है मैं कहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, नरक में। भगवान कहते माँ ये गर्भवास एक नरकवास है जिसमें केवल टाटी पेशाब खून पीर को अंदर में बिच को 9 महीना बिताना पड़ता है, टांग ऊंचा और सर नीचा होकर के हैं। इसलिए उसको 1000 जन्म की बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या कर्म कर्म गंदे गंदे कर्म किए, लेकिन कर्म का फल मेरे को अकेला लेना पड़ रहा है। कहाँ है मेरे परिवार, कहाँ है सब के सब, कोई तो साथ में है ही नहीं। उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान को बुलाता है, प्रभु मेरे को निकाल दो। भगवान कहते बताओ भी क्या कर दो। बोलो प्रभु मैं समझ गया संसार झूठा संसार, कोई किसका ही नहीं, सुख का समय सब दुख में कोई है। एक बार मेरे को जन्म दे दोगे ना प्रभु, मैं कसम खाता हूँ कभी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं, और उठते बैठते सोते तेरे माला जप करूंगा, दिन भर तेरे नाम लूंगा। भगवान ने कहा ये बताओ क्या दुख में पड़ करके इसे बोल रहे हो, ना जन्म दे दूंगा जब परिवार का प्यार लाड़ मिलेगा सब भूल जाओगे। बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा देख बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में तेरे को मैं वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोलो बताओ, आप लोगों ने सुन लो। पहला वार्निंग ये है जब एक बाल पक जाए, पहला बार में अब नजर करके देखना ये बाल कहाँ से पकती है, ये कान के पास में, सबसे पहले कान के पास में पहला बेल पड़ गया, हो गया समय ऊपर जाना का समय हो गया। तू बताया था ना दिन रात प्रभु का नाम जप करोगे, कितने समय टीवी देखते हो, कितने समय बहू बेटी की बात करते हो, कितने समय माला जप कर रहे हो। लेकिन जब हम देखते हैं एक बाल पक गया ना उसको उखाड़ फेंकते हैं, बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, हम थोड़ी कुछ हुए कुछ नहीं हुए। फिर दूसरे बाल भी पक जाती है, फिर उसको भी उखाड़ देते हैं, तीसरे भी उखाड़ देते हैं। जब खिचड़ी बन जाता है ना फिर कलर लगा देते हैं, मेहंदी कलर कलर लगा देते हैं, कलर लगा के रखे कहते हैं हमें थोड़ी बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आँख में कमजोर हो जाएगी, फिर हम चश्मा पहनते हैं। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, फिर 32 दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं। बोले हमारे कुछ नहीं हुआ अभी, हम अभी चंगे हैं। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो हाथ से तीन, दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगी, डंडा पकड़ना पड़ेगा, फिर कमर प्यार से तोड़ दूंगा। भगवान कहते मैंने ये एक एक वार्निंग देता हूँ कि क्यों तुमने जो मातृगर्भ में भगवान को वायदा करके आया था भजन करने के लिए, कितने भजन कर रहे हो? अगर किसको बोले ना भैया थोड़ी सी माला कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट करो, समय कहाँ है हमारा, समय कहाँ है हमारे पास में, टीवी देखने के लिए समय है, पेपर पढ़ने के लिए समय है, दुनिया की बात करने के लिए समय, लेकिन जिस काम के लिए आए थे तो उसमें कोई समय नहीं। भगवान कहते फिर भैया फिंतु वार्निंग नहीं, फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए यहाँ पर समय रहते भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए,
ये मानव शरीर नहीं ठाकुर हमें कोई हीरे दिए नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे हो। इसलिए भैया जितने पारो भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की नाम जप कर लो, समय को बर्बाद मत करो। देखो मानो जैसे अंबानी मानो अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया इसकी अंतिम श्वास है, अगर इसकी परिवार बोले तुमको चार कोई भी हीरे देते हैं, इसकी चार श्वास वापस ले आओ, चार श्वास दे दो, दे सकता है? नहीं, ये मानव शरीर नहीं, एक एक श्वास कोई नहीं हीरे है। लेकिन ये श्वास की सार्थकता कब है? जब हर श्वास में भगवान के नाम निकले। क्या निकले? भगवान की नाम निकले। देखो इधर सुनाओ, इसलिए हर समय देखो इधर मेरे तरफ में, हर समय ये माला को साथ में रखा करो। क्या करो? ये माला को रखा करो साथ में। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे भैया चलते उठते बैठते सोते क्या करो? भगवान की माला जप करो। ये माला कभी भूलो नहीं, भले ही कहीं पैसे जाते समय भूल गए हो, लेकिन माला को कभी भूलना नहीं, माला को अपना साथ में रखो। देखना अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो देते हैं सब कई बार झूठा है, बोले यहाँ से सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी उसको आगे नहीं चलेगी, परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे उसको आगे कोई नहीं चलेगा, आगे क्या चलेगी? पायो जी मैंने, उसके बाद में क्या है? राम रतन धन पायो, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मोला मेरे मेरे कृपा करे आप पायो जी राम रतन पायो जी राम रतन चोर नहीं ले लूटे नहीं जावे पायो जी राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो। एक बार से भाव करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। देखो जब कोई व्यक्ति ठाकुर का नाम लेता है ना उसका सारे पाप भूल जाते हैं, लेकिन उड़ कर के पापों पर कहाँ पर बैठेगा जो नाम नहीं लेते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कुछ तो लोग चुपचाप बेसिक वे से बैठे, कुछ तो माताएं नाम ले रही हैं, किसके मुंह से ठाकुर नाम नहीं निकल रहा। नहीं ठाकुर जी की जब नाम लो ना, यहाँ पर कितने भक्त बैठे हुए हो, एक बार तो नाम लोगे, लेकिन यहाँ कितने भक्त बैठे हो, मानो यहाँ पर 200 भक्त बैठे हो, नाम तो एक बार लोगे 200 नाम करने का फल मिल जाएगा। क्यों? सबके सब ठाकुर का नाम लेते हैं, और जो नाम नहीं लेगा इनके पाप जाकर कहाँ बैठेगा जो नाम नहीं लेते हैं। इसलिए सबके सब एक बार बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार आप लोगों बोले मैं सुनूंगा, जोर से बोलो जोर से हरे राम हरे राम राम हरे हरे। देखो ध्यान देखो सुना, कहते जो भगवान का नाम लेते हैं उनको तीन काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है? जोर से बोला तीन काम। आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, जो कल मेरे को बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। भगवान के नाम करने का साथ साथ तीन काम क्या होता है, एक मन से सुना। कहते जमपुरी में चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त कौन है?
चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके जो हमारे सारे फटो को ले रहा है। हम कोई भी काम ऐसे नहीं बहुत छुपा करके कर सकते हैं, कोई भी काम छुपा करके नहीं कर सकते। भले 10 मंजिली बिल्डिंग में बैठो, चारी तरफ में दरवाजा है, बंद है, बोलोगे तो कोई है नहीं, नहीं, वहाँ पर सूरज का किरण है, वहाँ पर रात में रात, वहाँ पर साखी, कोई चीज़ को तुम छुपा करके नहीं कर सकते। मरने का बात सारे काफी हमारे खुलेंगे। देखो भगवान के नाम लेने से ध्यान देकर सुना, यदि जो भगवान के नाम जब करते हैं, चित्रगुप्त का जब महाराज बुलाते हैं, बोले भैया इधर लाओ, बोले क्या, बोले रजिस्टर लाओ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का तुम नाम लिख दो, ये व्यक्ति का तुम नाम लिख दो, बोले किस लिए, बोले वो भगवान के नाम जब कर रहा है ना, ये और कभी ये जमपुरी में कभी नहीं आएगा, ये पहला काम है। बोले दूसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम लिख दो इसमें, बोले किस लिए नाम लिख दे, बोले ये ठाकुर का नाम ले रहा है, वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। बोले तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते, आरती का थाली सजाते, बोले क्यों, बोले वो व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर रहा है ना, अभी ये भूर भुव मोह जना तप सत्य लोग पार करते हुए जब ये गोलोक वृंदावन जाएगा, उसको रास्ता में मैं आरती उतारूंगा, उसका मैं आरती उतारूंगा। इतने महिमा जो भगवान के नाम को ग्रहण करता है, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, किसको याद है, बोलो मेरे तरफ में देखो, कौन बोल सकता है तीन काम क्या होता है, बोलो कौन बोलेगा, बोलो तो, बोलो कौन बोलेगा, इतना जल्दी भूल गए हो, बोलो तीन काम क्या होता है। हम लोग कोई चीज ध्यान से नहीं सुनते, अच्छे तरह से कथा में आते हो ध्यान से सुना, और घर में जा करके ना अपना बेटा बेटी बहू उनको भी भगवान की कथा सुनाओ, आपका भी कल्याण और उनका भी कल्याण हो। ऐसे नहीं कथा सुने और कथा सुनकर जब गए यही पर पल्लू झाड़ कर चले गए, बोले कथा को तो हम यहीं रख करके जा रहे हैं, नहीं, यहाँ से इसको अपना साथ में ले करके जाओ। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी सबसे पहले अपना गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रणाम की हैं, बोले हे गुरुपाद पद्म आप मेरे ऊपर में आशीर्वाद करो, मेरे ऊपर में कृपा करो, इन लोगों ने जो प्रश्न की है जैसे इनके प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूँ। आप लोग बताओ पहला प्रश्न क्या था, बोलो पहला प्रश्न क्या था, बोलो पहला प्रश्न क्या था, हम लोग कोई कथा नहीं सुनते, देखो ध्यान देखो सुनो। बोले एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने गया, देखा वहां पर 3 मूर्ति है, उन्होंने पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरे वाले मूर्ति बोले इसका कीमत 500 रुपया, बोले तीसरे वाले बोले इसका कीमत 5000 रुपया। बोले भैया तीनों मूर्ति तो देखने में बराबर है, इतने फर्क क्यों है, बोले 3 गिलास पानी लाओ अभी मैं समझाता हूँ। पहला जो मूर्ति इसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में डाला है ना वो जिधर डाला उधर से निकल कर आ गया, बोले ये तो सुनता है लेकिन जो सुनता है ना जिधर सुनता उधर निकाल देगा। दूसरे मूर्ति की कान में पानी डाले इधर डाले सीधा इधर निकल गया, बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन इधर सुनकर के इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 5 रुपया। लेकिन जिसका कीमत 5000 रुपया था जब उसको कान में पानी डाला एक बूंद बाहर नहीं निकला सब के सब अंदर में चला गया, बोले इसका कीमत है 5000। इसलिए आप लोग भी कितने 1000 रुपया की श्रोता हो, 5000 की, ठीक है ना, 100 नहीं 5000 की। इसलिए अच्छे तरह से कथा सुना और ये कथा को घर में जाकर भी बोलना, ठीक है। इसलिए इनका पहला प्रश्न था कलयुग में आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की कोई प्रश्न है। हम जो कुछ जीवन में करते हैं शांति के लिए करते हैं, इसलिए आप इसको उत्तर सुना। बोले सबई पुलसांग परो धर्म
जत भक्तिर राध्वक्ष जे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले हे सौनक आदि ऋषियों, तभी ये आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगा जब ये जीवात्मा ये परमात्मा की शरण में, जब भगवान की भक्ति करेगा तभी जीवन में ये पूर्ण शांति की तभी प्राप्त होगा। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान, भगवान की औलाद है, लेकिन उनको भूलने का वजह से भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया, ये दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, जेल बनाया उसने। क्यों जेल बनाए, जेल क्यों बनाई जाती है, जो गंदे काम करते जेल में ठोस देते हैं। हमने क्या गंदा काम किया, भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान के भजन को छोड़ दिए, भगवान बोले ठाकुर की सेवा नहीं करोगे तू, माया को भोग करोगे, देख ले संसार में चलिया, देख ले संसार में क्या आनंद है। इसलिए कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई परिवार से दुखी दुखी, ये माया त्रिशूल, देवी के हाथ में त्रिशूल है, शंकर जी के हाथ में भी त्रिशूल। त्रिशूल मतलब क्या है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये संसार में जो जन्म मृत्यु दुख कष्ट है, इसी माया के संसार में हमें त्रिशूल से मार रहे हैं। लेकिन ये माया से निकलेंगे कैसे, अगर हम समझ जाए, जैसे किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दो, अगर वो देखेगा भैया हमने चोरी की, उल्टा पुल्टा की, जेल में बंद कर दिया, भैया यहाँ पर तो बड़ा कष्ट है, भैया हम चोरी नहीं करेंगे और गड़बड़ी नहीं करेंगे, हैं, जब माफी मांगते हैं ना फिर उसको जेल से मुक्ति मिल जाती है। उसी तरह हम भगवान के संतान हैं, भले भगवान को भूलने का वजह से ये दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, संसार में दुख कष्ट दिया, अगर फिर अगर ठाकुर जी की चरण में माफी मांग ले, ठाकुर जी एक्सक्यूज मी, मैंने जो गड़बड़ी किया माफ कर दो, आज से तेरे हम भक्ति करेंगे, तेरे नाम लेंगे, तेरे पूजा सेवा करेंगे, ठाकुर जी बोले भैया तू तो मेरा ही बेटा है, मैं तो यही चाहता था, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो भगवान हमारे पिता माता भाई बंधु, बस तुम्हें इतना बोल दो, मेरी अपराध को माफ करो और चरण में हमें स्थान दे दो। फिर ठाकुर जी क्या करेंगे, फिर हमें गोद में भर लेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कहते फिर कलयुग में फिर ठाकुर को प्राप्त कैसे होगा, इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा। जानते हैं ये कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कली जोग के बलना माधारा, कली जोग के बलना माधारा, आ कली जोग के बलना माधारा, कली जोग के Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
सरल उपाय बताए, बोले घर में जो कुछ काम करो ठाकुर जी का सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, क्या समझो कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? भगवान की मंदिर में। जैसे खाना बनाते हो, खाना नहीं, किसके लिए खाना बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगेगी। जैसे बच्चे को थपथपी लगा करके सुलाते हो, हैं हाथों में तो थपथपी लगा करके सुलाते, जैसे गोपियाँ घर का काम तो हाथ में करती थी और मुंह में क्या करते, ठाकुर जी की नाम लेती थी। इसलिए घर में जो कुछ करो ठाकुर जी की सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम। वाह बेड़ा पार, भगवान कलि युग में इतने सरल उपाय रखा। सत्य युग में आप लोगों सुने होंगे, बिना खाए पिए हजार हजार साल तक तपस्या करते थे सत्य युग में। कलि युग में देखो, अगर एक दिन कोई व्रत रखते हो ना, बोले भैया ये काम कर दो, बोले आज मैंने व्रत रखा मैं नहीं कर सकती, मतलब एक दिन भी भूखा रह नहीं सकते। तृतीया युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए हैं शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, हवन सामग्री घी, पता नहीं कितना 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 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा हवन के लिए, बोले भैया इतना कहाँ से पैसा लाए। द्वापर युग में भगवान की अर्चन सेवा पूजा पंचामृत दूध दही, बोले भैया कहाँ इतने लाएंगे। भगवान सोचे कलि युग में ऐसे एक साधन रखो जो बिना परिश्रम और बिना पैसा से हो जाए, बिना परिश्रम और बिना पैसा से हो जाए। वो क्या है? ठाकुर जी की नाम है, ठाकुर जी की नाम। बताओ भगवान के नाम लेने के लिए पैसा की जरूरत है? एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बताओ कोई पैसा की जरूरत है? बड़ी पैसा लगा है पैसा, बल्कि भगवान के नाम में आनंद है, ठाकुर जी के नाम में आनंद है, शांति और सुख है। इसलिए भागवत में बताए हैं, बोले नाम नामकारी बहुधा, भगवान के कितने नाम है, कृष्ण गोविंद राम मधुसूदन ठाकुर, कितना सारे नाम है। फिर कलयुग में अपना जितने सारे शक्ति ठाकुर जी अपना नाम में धर दिया, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर कलयुग में बोले नियमित स्मरण नकाल, ठाकुर जी ये नहीं बताए, देखो जब केवल पवित्र बनो तभी मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नाम नहीं ले सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। किसी समय में भी ठाकुर जी का नाम को ग्रहण कर सकते हो। आप लोगों ने हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? देखो इनकी कथा सुनो, ये नाम की कितनी महिमा है। एक समय हनुमान जी एक तेली से मिले, ये तेली दिन भर जैसे तेल निकालते ना कोलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, दिन भर अपना पैसा कमाने में मस्त रहता था। नारद जी ने बोले भैया इतने दुर्लभ जीवन तेरे को मिला है, भगवान की थोड़ी भजन भजन करता है कि नहीं, माला फला जप करते कि नहीं, ना केवल पैसा पैसा चक्कर में पड़े हुए हो भैया, अंतिम समय में केवल राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, यही मंत्र सुनाएंगे, जितने राम का नाम लिए वही जा रहे हैं, सब झूठा है, थोड़ा भगवान के नाम जप करो। तेली ने कहा भैया मेरे पास में समय नहीं भजन करने का, बोले दिन भर में समय 24 घंटा नहीं मिलता है, बोले नहीं, बोले भैया कभी तो थोड़ी समय मिलता होगा, बोले हाँ समय तो मिलता है, जब मैंने पायखाना में बैठा हूँ ना, शौच क्रिया में बैठता हूँ उसी समय में खाली, कोई काम धाम नहीं, बोले भैया कोई बात नहीं, उसी समय में भी ठाकुर का नाम ले, बोले क्या ये अपवित्र अवस्था में, बोले ठाकुर थोड़ी बोले, जब अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते ठाकुर तो बोले ही नहीं, उसी समय में भी तुम ले सकते हो। इतने में वो तेली जब शौच क्रिया में बैठा है ना, इतने में बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरा कौन गुरु भाई मेरा प्रभु के नाम ले रहा है,
हनुमान जी उड़ते हुए पहुंच गए, क्योंकि पहले जहाँ राम का नाम होगा ना, पहले हनुमान ही पहुंचते हैं। हनुमान जी पहुंचे, देखा ये दुष्ट तेली दिन भर पैसा पैसा के चक्कर में पड़ा हुआ, और ये अपवित्र अवस्था में रघुपति राघव राजा राम। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, महाराज बोला, लेकिन वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं हुआ, वो इधर उधर कर फिर बैठ गया। लेकिन शाम का जब हनुमान जी प्रभु राम की सेवा करने के लिए पहुंचे, देखा भगवान तो बिस्तरा में छटपट छटपट कर रहे थे। बोले प्रभु लगता है शरीर में बड़ा दर्द है। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने मेरे को लात मार दी। बोले बंदर ऐसे कौन सा बंदर लात मारी बताओ, पृथ्वी को बंदर शून्य कर दूंगा, उसका नाम मेरे को एक बार बता दो। बोले उसका नाम नहीं बताया जाएगा। बोले प्रभु एक बार बोलो ना। बोले उसका नाम वीर हनुमान। बोले प्रभु नहीं, तो प्रभु मैं आपको लात मारी, मैं कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकता हूँ आपको लात मारने का, आपको तो हृदय में मैं पूजा करता हूँ। बोले हनुमान ये बताओ, तेरे अंदर में इतने शक्ति, हनुमान जी को स्वयं भोले बाबा स्वयं शंकर जी, रावण को एक मुक्का मारा ना, रावण जैसे व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा। बोले तुमने जब ये तेली को लात मारी, वो तेली को कुछ हुई? बोले प्रभु तो इधर उधर करके फिर बैठ गया, कुछ हुआ ही नहीं। बोले हनुमान मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का। हनुमान मेरे और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, जब तुमने मेरे को उसको मारा ना, मेरे पीठ पर लगा, क्यों? मैं और मेरे नाम से कोई फर्क नहीं ना। हनुमान जी बोले प्रभु मैं कान पकड़ता हूँ, भविष्य में कभी ऐसे मेरी गलती कभी नहीं हुई। देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, समझो क्या कह रहे हैं। कहते कलयुग में मैं इतने सरल रख लिया, लेकिन तब भी कलयुग का जीव हरिनाम नहीं करता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं फिर इनका उद्धार कैसे होगा? फिर तो करोड़ों युग में भी तुम्हारी उद्धार होने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान कलयुग में सबसे सरल आसानी उपाय रखे, सवेरे उठो, नहा धो करके भगवान के लिए ठाकुर को सेवा पूजा करो, और ये माला लेकर के थोड़ी समय भगवान की माला जप करो, यही धन ही अंतिम समय में तुम्हारी साथ देने वाली, और कोई धन तुम्हारे काम में नहीं आने वाले, और इसी सही जीवन में हमें शांति और सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है? बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राम। हाँ, विश्राम दे देते हैं, अपना बोलो विश्वास। माइक है, एक माइक हाँ। हरे कृष्णा, देखो हरे कृष्णा, देखो इधर सुना। कल से मैंने कल बताया था ना, हमारे जो बड़े गुरुजी कहते थे, हमारे जो बड़े गुरुजी बैठे कहते थे, जब भागवत कथा में आओ कम से कम 10-10 लोगों को लेकर आओ। गुरुजी की बोली है, अगर जिसको भगवान की कथा में लाओगे ना, जिसको लाओगे उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वाले को उसका आधा पुण्य मिल जाएगा। गुरुदेव कहते थे अगर किसी व्यक्ति को गंदे काम में लगाओ पाप लगेगा, लेकिन अगर जिसको भगवान की कथा में ले आओ उसे तो बड़ा पुण्य कुछ नहीं। देखो मैंने कल बताया था ना, ध्यान देकर सुना, ये कथा नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्षों को नीचे बैठो, 7 दिन के अंदर में अगर कथा सही सही जो सुनेगा, आप जो मांगोगे भागवत से, भागवत आपको वही दे देगा, सारी इच्छा को पूरी कर देगी। देखो भागवत कथा में वर्षा होना, बारिश होना, ये कहते देवता का पुष्प वृष्टि है। इसी समय बहुत जरूरत था बारिश है, जो खेती करते हैं, जो क्लाइमेट बड़ा गड़बड़ी हो गया था, प्रदूषण बन गया था, इसमें बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ी बारिश हो गई कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा प्रार्थना करूँगा प्रभु जी, कल है ना, कम से कम कल भी बारिश होने वाली है, इसलिए कम से कम पूरा नहीं होना, कम से कम 2 दिन के लिए लगा दो, फिर उसको उठा दो। परमानेंट की तो जरूरत नहीं, उसके बाद में ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन केवल 2 दिन के लिए। हाँ ठीक है, नहीं तो क्या होता ना, अगर बीच में हो गया तो भक्त लोग भाग जाएंगे, फिर एक कथा ही नहीं सुनेंगे। हाँ, इसलिए कल से कम थोड़ी सी अच्छी तरह से व्यवस्था कर देना, अभी ठंडा का समय है, चार तरफ बंद कर देंगे तो अच्छा है, भक्त लोग आराम से बैठ।
हरे कृष्णा हरि बोल, उसको अंदर में लगा दो, ये ऊपर का माइक है, उसको अंदर में लगा दो। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानं शलाकया चस गुरु नितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवान सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कर्तव्रज कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार प्रेम से जो लोग रह गए जोर से पड़ोसियों को पता लगे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं नित्रीला ओम प्रविष्ट अष्टोपचि श्रीमद भक्ति विदान गुरुपादम नारायण महाराज जी के चरणों अभय चरणों में मैं कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात अपनी संपूर्ण परंपरा के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी व्यास पीठ पर जो बैठे हैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी के मैं जितने यथायोग्य सबके चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम है। हरे कृष्णा। मैं कथा कहूँगा पहले थोड़ा महाराज जी के बारे में बता दूंगा। मेरे बारे में ठाकुर के बारे में बताऊंगा। बिना साधु की कृपा के ठाकुर केवल हम जैसे पथित लोगों के लिए भारत के हर कोने में जाते हैं, भारत के विदेश में भी जाते हैं। केवल हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो माया में पड़े हुए हैं, रात और दिन यहाँ दुख भोग रहे हैं, केवल ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए, हम जैसे पतित लोगों पर कृपा करने के लिए महाराज जी जगह जगह जाते हैं। ये अपना भजन तो बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये साधु का स्वभाव होता है। साधु अपने दुख से दुख नहीं होते, दूसरे के दुख से दुख होते हैं। इसलिए महाराज जी दो दिन हो गए कथा कह रहे हैं, एक बार तो महाराज जी का जोरदार से ताली बजाओ। महाराज जी बड़े कृपालु हैं, जो शरण में आ गया उसका कृपा कर दी। देखो मैं एक चीज छोटी सी बता रहा हूँ, महाराज जी का आदेश हुआ है, कथा बता तो नहीं आती मेरे को, लेकिन वैष्णव का आदेश का पालन केवल मैं कर रहा हूँ। हम यहाँ जितने लोग हैं सब दो चीज में लगे हैं, दुख जाए और सुख, पूरा जीवन किस में लगा देते हैं, दो चीज में लगा देते हैं। सुख के लिए कितना प्रयास करते हैं ना, सुबह से शाम तक गधे से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सुख में कोई सुखी हुआ है जगत में, कोई सुखी हुआ है? किसी मंत्री को जाके पूछो भाई तू सुखी है, वो सुखी है क्या? किसी नेता को पूछो सुखी है क्या? जज को पूछो सुखी है? डॉक्टर को पूछो सुखी है? किसी के पास चले जाओ पद मिलने के बाद भी सुखी नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री मोदी है उसको जाके पूछो सुखी है क्या? नहीं सुखी। अमेरिका का राष्ट्रपति तो सबसे शक्तिशाली है, ओबामा, क्या नाम है इसका, ट्रंप, वो भी सुखी नहीं है। क्या सुख इसमें सुख है जगत में? नहीं है भाई। जब पद मिलने के बाद भी सुख नहीं है इसका मतलब सुख है या नहीं है? सुख तो है लेकिन खोज गलत जगह पर। जैसे वो तृष्णा हिरण होता ना जिसके नाभि में ही तो, लेकिन खोजता कहाँ है? हम लोगों की स्थिति ऐसी है
जो कृष्णा हिरण होता है जैसे राजस्थान में हिरण है वो दूर से देखने में चांदनी रात में क्या लगता है रेत, जब वहां जाके मुंह मारता क्या मिलता है उसको, पानी देखने में लगता है चांदनी में रेत, लेकिन मुंह मारता तो क्या मिलता है रेत ही मिलता है। फिर देखता नहीं नहीं यार यहाँ गलत जगह मुंह मार दिया, फिर आगे देखता है तो वो पानी तो वहां है, फिर भागता है वहां, फिर मुंह मारता है क्या मिलता है उसको रेत। ऐसी भागते 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 पूरा जीवन खत्म कर देता है, ऐसी स्थिति हमारी है। पानी की कमी है क्या? पानी के तो भाई समुद्र के समुद्र बह रहे हैं, लेकिन उसकी जो खोज है वो गलत जगह पे। ऐसी हमारी परिस्थिति है, हम ग्रस्त में रह के बच्चों में सुख खोजते हैं, पत्नी में सुख खोजते हैं, धन में, गाड़ी में, मकान में, बंगले में, लेकिन मिलता है क्या? खोजते खोजते मर जाते हैं।